तो कुछ पैसों के लिए अपना जमीन मत बेचो आप लोग। बोल दिया सर पे पापा का साया नहीं है, घर में गिने चुने लोग हैं, ध्यान दे लो, थोड़ा ध्यान दे लो। ये ना अब रह खुश रहे ना, अब जो चाह रही थी वही हुआ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्यों कर रहा हूँ? सही तो कर रहा हूँ, जो मैंने चाहता हो गया, बस कर दिया मैंने। बैठ यहाँ, चल ठीक है ना। हो गया ड्रामा चालू, आ गई इससे मिलने फिर से। कितनी बार समझाऊं, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता प्यार से, समझ में नहीं आता क्या? आई मैंने क्या करा? अब क्यों मिलने आई थी इससे फिर से? क्यों मिलने आई थी? क्यों मिलने आई थी इससे? अच्छा ड्रामा बना रखा, प्यार प्यार प्यार, क्या सब कर रही है? आई आई कहाँ दर्द हो रहा है अब? फालतू का ड्रामा मत करो निशा, अगर जाना है ना इसके साथ तो बोल दो एक बार, नहीं कहेंगे तुमसे कुछ। तुम्हारी बकवास सुन सुन के परेशान हो गए हम, तुम्हारे अनोखा प्यार हो गया। क्यों पकड़ रखा है पैर, क्यों पकड़ रखा है? और आओ इससे मिलने, करो अपनी मोहब्बत का इजहार, समझता है ना जैसे ये तुम्हारी मोहब्बत को। हुआ क्या बोलोगे? मुंह से आवाज निकल रही है या नहीं? समझ नहीं आ रहा प्यार से, डॉक्टर के ले चलो, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। क्या मारा है बताओगी? मैंने एक डंडा रखा था मेरे पैर में। निशा ड्रामा मत करो प्लीज। यार मैं प्रकाश जी को बता कर आई हूँ। प्रकाश जी को क्या बता कर आई हो? घर से हमारे निकली हो तुम? पूछो मैं प्रकाश जी को, फोन कर लो, मैं झूठ नहीं बोल रही। चिल्ला रही है तू, बार बार चिल्ला नहीं आता है तुमको? क्यों चिल्ला तू? पहले क्यों आई पार्क में? तुम्हें इतना टाइम, थोड़ा देर वेट नहीं कर सकती थी? जान जी इतना खराब समय चल रहा है तो, अब तू कहाँ रो रही है? तू तो स्टेशन जा रही थी ना, मम्मी ने बोला जल्दी में गई है घर से, जाइए जरा इसके लिए। जल्दी में नहीं गई है कोई स्टेशन, बिहार का बंदा यहाँ फंस गया था तो इससे बात किया था ना, तो वही आई थी पैसे देना। आपको बता के आई हूँ, क्या हुआ है?
अनुराग मिल गया था, उनने मेरे को बहुत मारा। वो लड़की थी वो भग गई वहां से। लड़की थी वो भग गई, वो उसी के साथ मिली हुई थी। उनने ही बुलाया था उसे, मेरे पैसे भी सारे छीन लिए। लड़की थी क्या? अभी भी झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ सर? आपके सामने फोन नहीं आया था उस लड़की का? फोन तो आया था ना, तुमने ये क्लियर नहीं किया था कि लड़की है कि लड़का है। लड़की थी वो? लड़की थी। वो कह रही दीदी मेरे को बिहार जाना है, मेरे को पैसे दे दो, मेरी ट्रेन छूट जाएगी आज की, मेरे पे पैसे नहीं है बिल्कुल। मार क्यों रही है? तुम ज्यादा बड़ी हेल्पर हो। बार बार तुम मारती काहे रे? क्या है तुमको? तू उसको काहे मार रही है बार बार? सही बोल रही है ना, झूठ बोल रही है? कुछ भी होगा तो मम्मी मुझे ब्लेम करेंगे कल को। काहे दूर नहीं जा रही थी ना स्टेशन? तुम्हारे जो अनुराग है ना उसको समझा लो। मेरा है अनुराग, इसको समझाओ ना, कोई इसकी बुद्धि में भरो। कहीं नहीं जाना है अकेले, खुद ही ना बोल दिया अकेले जाना है। हमको कहा जाएगा तो वहां भी वही पहुंच जाएगा। मेरे को पता था कहीं नहीं जा सकता है। अब तो घर पे भी रहने में दिक्कत होगा, तो कुत्ते के जैसा सुन सुन के कहीं भी पहुंच जा रहा है ना। तो तुमको जाना चाहिए ना साथ है। अरे मेरी माँ वो तो स्टेशन गई थी किसको छोड़ने। समझाओ ना, ये क्यों निकली घर से? ये तो यही ना सोच के गई थी अनुराग नहीं है ना, इसका क्या गलती है उसमें? मतलब कोई इंसान मदद मांग रहा है? चिल्ला मत, तू जा नहीं ना, खाली चिल्लाने आता है तुमको। अब इंसान घर से भी नहीं निकलेगा कहीं, बता ना, घर से नहीं निकलेगा। इसको तो क्या कर लोगे तुम? ये लगता है मैं सबसे छोटी है वो घर में। तब बात से भी सब जा सकती है ना, खाली मारने से नहीं ना होता है हर चीज। तू मार रही है उसको, गलती हमारा है ना, हमको मार मारना। तो फोन आया था लेकिन बोले थे हम ही ना थे, हमको कहा था चला कुत्ते जी तक कभी पहुंच जाएगा वो। क्या अनुराग का प्लान था सारा? अब क्या आदमी घर से भी नहीं निकले उसके चक्कर में? मैं तो किसी की मदद ही करने आई थी, मेरे को क्या पता था ऐसा होगा। सामने भेटा रहा था मौके के जी तो भाग जाता है, सामने लड़ना चाहिए था ना। देखो तुम्हारा भी बात गलत नहीं है लेकिन लड़के का तुमसे कुछ हो नहीं रहा है। अरे मर्द होता तो सामने आके लड़ता ना, मेरे भाई के सामने तो भाग गया। इसलिए बोल रहे उसके साथ रहना चाहिए था ना। अरे हमको क्या लगा कि उसके बाद से परेशान नहीं करेगा, उसको सबक मिल गया है। लेकिन कुत्ते का पूंछ है, कितना भी उसमें घी लगा लो सीधा होने वाला नहीं है वो। पुलिस भी उसको पीछे पड़ा हुआ है। आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ तुम्हारे रोकने से हो जाएगा। पागल हो गई क्या ये? क्यों लड़ाई मोल लेना चाह रही है? इसका भी दिन पूरा हो गया ना। बात आदमी मान लो आदमी घर से भी बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे तो हर जगह डर रहेगा। आदमी दुकान में भी जाता है ना दूध लेने या कुछ भी, एक सौ सब्जी खरीदने, तो उस कुत्ते से डरना चाहिए इंसान को। मैं जीना छोड़ दूं क्या उसके पीछे? आप खुद ही बताओ सर। खुद डरपोक हो गया ना, जिसे लड़ना जिस होता तो लड़ता नहीं है, समय आने में भग जाता है। और तुम्हारा भी तुमको क्या बोले, हर जगह तो सुनते सुनते आ जा रहा है ना, कहाँ कहाँ इंसान उससे दूर रहेगा। वो बकायदा मेरे को यहाँ तक छोड़ के गया और भग गया पता नहीं कहाँ। वो बिहार वाला लड़की नहीं थी? नहीं थी कोई भी, मेरे पैसे भी छीन लिए। कैमरा लेके आई थी ना तू? हाँ। तो कैमरा लगाई है कि नहीं? लगवाया मैंने कैमरा, देखो यहीं कहीं होएगा। हाँ वो तो है प्रिंस। चल अच्छा है, ये बताइए दोस्तों किस पे आदमी भरोसा करेगा यार? कोई इंसान फोन करता कि मैं बिहार से आके फंसी हुई हूँ, पैसे नहीं है बिहार जाने के लिए हमारे पास, तो आदमी मदद करने आता, तो उसमें लड़की थी कोई? ऐसे मत को कुछ पैसों के लिए अपना जमीन मत बेचो आप लोग। हम लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं ना, किस पे भरोसा करें किस पे ना करें? आदमी अपना समझ के ना इसको भेजें कि जाके 2,000-3,000 रुपए दे दो वो बिहार चली जाए, यहाँ पे आने के बाद कुछ और हो जाता है। क्या भरोसा करेगा आदमी किसी के ऊपर? कितने लोग थे? खाली अनुराग आया था, दो जने थे, वो लड़की थी। कोई अगल बगल में कोई लोग नहीं था चिल्लाने के लिए कि मारा भग गया? अरे उसने मेरे को लोकेशन भेजी, ऐसे खंडर सा था, वहाँ पे एक कमरा सा था, यूँ कह रही दीदी मैं वहीं बैठी हुई हूँ, वेटिंग रूम है वो। मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब सा कमरा है, कह रही वेटिंग रूम है, ये वेटिंग रूम है आ जाओ अंदर। मैं अंदर गई तो वहाँ वही दोनों थे बस। मैंने बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़की कह रही भाई मेरा काम खत्म अब मैं जा रही हूँ। उसको पैसे दिए वो चली गई। अब उसका नहीं होता, खेल खत्म करना पड़ेगा उसको किसी ना किसी बहाने। सुन ओए अनुराग, सुन रहा ना, ये लास्ट हुआ, आज के बाद तेरा खेल खत्म। तू बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करता है ना, अब हम करेंगे और तू देखेगा। तुमसे बात कर रहे हैं ना, तुम्हारे अगर पिछवाड़े में पावर होगा ना तो तू देखेगा। बहुत ज़्यादा वीडियो बनाता है ना तू, बना वीडियो।
षड्यंत्र कर रहा है ना। मैं क्या करूं? जीने भी नहीं देता है शांति, ना काम करने देता है। चलो सर, मेरे से बिल्कुल नहीं चला जा रहा है।